मेरा नाम रचिता है, मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ पिनिकल ब्लूम सेंटर दिल्ली ब्रांच से, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चार्ट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट है वो बेसिकली जानवरों का चार्ट है। ये चार्ट्स बहुत डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं, तो उसमें बड़े साइजेस भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, जिसमें पिक्चर्स का साइज अलग अलग होता है, और ये बहुत सारी कैटेगरीज में भी आते हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स, फ्लावर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, जो भी आप अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं आप वो चार्ट खरीद सकते हैं। ये चार्ट अपने घर में आप कहीं भी लगा सकते हैं और चलते फिरते रूटीन में आप वो प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम चार्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीच थेरेपी के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो पहचान है, विच इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन। तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे, कौन से तरीकों से करा सकते हैं? पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप अपने बच्चे से सिर्फ इतना बोलिए, पॉइंट करो कैट को, डॉग को पॉइंट करो, गोट को पॉइंट करो, काउ को पॉइंट करो। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा जानवर पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है। इसके अलावा जो आप एक और चीज कर सकते हैं थोड़ा फन वे उसको बनाने के लिए, वो है कि आप स्टिकर्स या फिर छोटे छोटे स्टार्स हैं या फिर कोई भी चीज जो आप चिपका सकते हैं, बिंदी भी यूज कर सकते हैं, वो चीज आप उस चीज को यूज करके आप आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे से बोल सकते हैं कि चलो डॉग पे बिंदी लगाओ, कैट पे स्टिकर लगाओ, गोट पे स्टिकर लगाओ। तो वो एक थोड़ी फन एक्टिविटी हो जाती है बच्चे के लिए, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आपके जानवर पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं। उसको थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए आप ये चार्ट थोड़े दूर अपने से किसी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, और आप और आपके बच्चा थोड़ा दूर खड़े होके फिर आप उनसे बोल सकते हैं ये स्टिकर लेके कैट पे लगाओ। तो वो भागेंगे, कैट पे स्टिकर लगाएंगे और फिर वापस आएंगे। फिर आप उन्हें एक और स्टिकर देंगे या एक और बिंदी देंगे और फिर वो जाएंगे भाग के एक और स्टिकर लगाएंगे। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि बच्चा कितना जानवर पहचान रहा है या नहीं। एक और तरीका जो आप कर सकते हैं पहचान के लिए वो है कि आप ये जो एनिमल्स हैं इनको मार्कर से सर्कल करवा सकते हैं। तो कोई स्केच पेन हो गया या जो कोई मार्कर हो गया जो आसानी से मिटा सकते हैं, उसके साथ आप सर्कल करवाइए। कैसे? डॉग को सर्कल करेंगे, कैट को सर्कल करेंगे, पिक को सर्कल करेंगे, और जब सारे एनिमल सर्कल हो जाए उसके बाद आप अपने बच्चे से बोल सकते हैं चलो अब हम सफाई करेंगे। सबसे पहले हम किसको साफ करेंगे? सबसे पहले हम डॉग साफ करेंगे, फिर हम कैट साफ करेंगे, उसके बाद पिक साफ करेंगे। तो इस चीज में क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी में आप वही चीज दो बार अपने बच्चे के साथ करवा रहे हैं, और वो एक रेपिटेटिव एक्टिविटी भी नहीं है, और आपके बच्चे को मजा भी आएगा वो चीज करने में। चार्ट हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे को कैटेगरी सिखाने के लिए। तो जैसे जानवर की कैटेगरी हो गई या व्हीकल्स की एक कैटेगरी हो गई, तो वो सिखाने के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चे के सामने एक जगह पे होती हैं तो वो आसानी से समझ पाते हैं ये चीज। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उनको ये बताने की बजाय कि देखो ये सारे एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, ये बार बार करने की बजाय आप उनसे काउंटिंग करवा दीजिए, एक एनिमल, दो एनिमल, तीन एनिमल। तो एक ये फंक्शनल एक्टिविटी भी हो जाती है, और उसके थ्रू आप उनको एनिमल्स का कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं। उसके अलावा आप ये सारे चार्ट जमीन पे रख सकते हैं, अलग अलग चार्ट, और उनसे बोलिए चलो एनिमल्स लेके आओ, फ्रूट्स लेके आओ, तो उनको छाट के वही कैटेगरी उठा के आपके पास लानी पड़ेगी। तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कैटेगरी समझ रहा है या नहीं। एक और तरीका है जो जिससे आप चार्ट यूज कर सकते हैं वो है एक्सप्रेशन या बोलने का। तो उसमें क्या होगा कि आप अपने बच्चे से ये बोलेंगे कि देखो डॉग कैसे बोलता है, भौ भौ बोलता है, कैट कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है। और रीइंफोर्समेंट के तौर पे आप उनको स्टार्स या फिर स्टिकर्स दे सकते हैं कि जब वो भौ भौ बोले या म्याऊं बोले तो आप उनको वो स्टार चिपकवा सकते हैं। ये सारी चीजों से आप ये चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। Pinnacle Bloom's Network ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పీచ్ డిలే, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంటల్, సైకలాజికల్ రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న దాదాపు 80 కోట్ల మంది పిల్లలు మరియు పెద్దల జీవిత ప్రమాణాలు మెరుగయ్యే విధంగా దశాబ్దాల రీసెర్చ్ తో కూడినటువంటి అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీ, సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మరియు రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసులు అందిస్తారు।
అందిస్తున్న ఏకైక స్పెషల్ ఎడ్యు హెల్త్ కేర్ సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మిరాకిల్ అనే పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ సహాయంతో అత్యంత పారదర్శక థెరపీ సర్వీసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. 100 మందికి పైగా నిష్ణాతులైన థెరపిస్టులతో మీ మరియు మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కొరకు పాటుపడుతున్న సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక స్టార్టప్ ఇండియా అవార్డు పొందిన భారత్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ.